हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे 26 है। डे 26 में आज आप दो टॉपिक कवर करूंगा, एक हो गया मिसिंग नंबर सीरीज, दूसरा हो गया ब्लड रिलेशन। दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के अंदर, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज कौन का टॉपिक है, ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक है। मिसिंग नंबर सीरीज का जो वेटेज है मिनिमम 5 मार्क का वेटेज है, और ब्लड रिलेशन का जो वेटेज है मिनिमम 3 मार्क का वेटेज है। दोनों मिला के टोटल 8 मार्क का वेटेज रहेगा बैंकिंग एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलते पहले टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज 17, 18, 26, 35, 99 एंड मिसिंग टर्म 17, 18, 26, 35, 99। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। सपोज सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो, स्मूथली वे रन हो रही हो, तो डिफरेंस का पैटर्न चेक करिए, बैठ जाएगा आपका, ठीक है। 17 और 18 में डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 64 का डिफरेंस है, यहाँ हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक का एक ये 8 मेरे से 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 125। सॉरी, 5 को स्क्वायर आता सिर्फ 25, ठीक है। 5 को स्क्वायर आता 25, 9 + 5 = 14, 1 कैरी 9 और 10 + 2 = 124। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 124। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही थी तो डिफरेंस चेक किया, 18964, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो अगला 5 का स्क्वायर होना चाहिए था 25, 99 में 25 प्लस किया तो 124 मिलता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी कैसे करते सॉल्व। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 23, 40, 74, 142, 278 एंड मिसिंग टर्म, ठीक है। 23, 40, 74, 144, 278 डिफरेंस चेक करें, क्योंकि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, प्लस काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ मुझे आई थिंक 17 का डिफरेंस है, यहाँ मुझे जो है डिफरेंस 34 का डिफरेंस है, यहाँ 68 का डिफरेंस है ना। देखिए 12 - 4 = 8 आ जाएगा, और 13 - 7 = 68 आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर 126 का डिफरेंस है, 136 का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए 17, 34, 68, 136, देखते हैं समय आ रहा है, 17 का डबल 34 होता है, 34 का डबल 68 है, 68 का डबल 136 है, तो 136 का डबल कितना आता है, 272 आता है, 136 का डबल 272 आता है, 272 में 278 ऐड करना है 15, तो कितना मिलेगा 550। तो मुझे जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे 550। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मुझे, 550, ठीक है। डिफरेंस चेक किया, 17, 34, 68, 136 और 272 आया फिर, तो 278 में 272 ऐड किया तो 550 आया, ठीक है। डबल डिफरेंस चल रहा था, ठीक है। चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 69 का क्या बात क्या दिया है, 82 71 80 73 एंड मिसिंग टर्म। देखिए सीरीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पर काफ़ी स्मूथली रन हो रही है, मतलब काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं चेक करूँ 82 और 69 में, तो मुझे आई थिंक मुझे ऐसा डिफरेंस 13 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, यहाँ 11 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या 9 का देखने को मिल रहा है, या 7 का देखने को मिल रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ऑड नंबर चल रहे, 11, 13, 11, 9, 7, 5, यहाँ 5 आ जाएगा। सीरीज इंक्रीज हुई, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अगला जो इंक्रीज होगी 73 + 5 = 78। तो मुझे जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे 78। ओके, ऑड नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे, ठीक है, तो ये पैटर्न बेटर हमारा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 53, 58, 75, 112, 177 एंड मिसिंग टर्म 55, 50। देखो सीरीज इंक्रीज ऑर्डर में चल रही है, प्लस काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 58 में से 53 निकालो तो मेरे हिसाब से मुझे 5 का डिफरेंस देखने को मिलता है। 75 में से 58 माइनस निकालो तो मुझे कितना मिलेगा, आई थिंक 7 का डिफरेंस है ना, 17 का डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 12 माइनस यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, नहीं सॉरी 12 - 5 = 7 का डिफरेंस है, और 10 - 7 = 37 का डिफरेंस है यहाँ पर। ओके ठीक है, 7 - 2 = 5 आ जाएगा, और 7, 6, 65 का डिफरेंस है। आप लोग देख के कुछ समझ में आ रहा है, 5, 17, 37, 65, आई थिंक मुझे लग रहा है 4 का 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 + 1 = 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 = 17,
6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 1 65। तो अगला जो होना चाहिए 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर आता है 100, 100 प्लस 1 101, 101 में 177 ऐड करिए तो 278। तो जो मुझे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे 278। ओके आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया मैंने कैसे करा है। चलते हैं अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। फिफ्थ क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हो 121, 144, 169, 196, 225। 11 का स्क्वायर 121 आता है, 144 जो 12 का स्क्वायर है, 169 जो 13 का स्क्वायर है, 196 जो 14 का स्क्वायर है और 225 जो 15 का स्क्वायर है। तो अगला स्क्वायर किसका होगा, 16 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256। तो जो है मुझे आखिरी क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे 256। ओके दैट्स इट, इतना इजी क्वेश्चन था। तो इसी तरह मेरा मिसिंग नंबर सीरीज का जो टॉपिक होता है कंप्लीट। अब चलते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक की तरफ, ठीक है। ब्लड रिलेशन में क्या बोला, इन ए फैमिली डी इज सन इन लॉ ऑफ डब्लू। डब्लू की जो डब्लू का जो सन इन लॉ है वो है डी। तो डब्लू को कोई ना कोई बेटी देगी, उसका हस्बैंड का नाम जो रहेगा वो रहेगा वो डी। तो डी जो है मेल है, उसकी वाइफ रहेगी फीमेल, और उसकी फीमेल उसकी वाइफ का जो फादर है मदर रह सकता है वो रहेगा डब्लू, ठीक है। यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। यू जो है क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का, ठीक है। यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। एस इज ऑनली चाइल्ड ऑफ ई। एस जो है ऑनली चाइल्ड किसका, ई का। ओके उसके बाद क्या बोला है, जे इज मैरिड टू यू। जे जो है मैरिड है किसके, यू से। जे जो है मैरिड है किससे, यू से। तो जे जो हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, क्योंकि जे जो है मैरिड है यू से। उसके बाद क्या बोला है, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्लू। क्यू जो है ग्रैंड डॉटर है किसका, डब्लू का, ठीक है। क्यू जो है ग्रैंड डॉटर है डब्लू का, ठीक है, वो भी सही हो गया हमारा। एल इज ऑनली, एल इज द सन ऑफ एस। एल जो है सन है किसका, एस का। एल जो है सन है किसका, एस का, ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमें। उसके बाद क्या बोला है, डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ ई। डब्ल्यू जो है वाइफ है किसके, ई की। डब्ल्यू जो है वाइफ है किसकी, ई की। तो ई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ओके और ई का कोई बेटा है बेटी, तो एस का, देखिए ई का कोई बेटा बेटी था वो एस था, हमें कंफर्म पता नहीं था एस का जेंडर, पर हमें ये कंफर्म बैठ गया अगर ई यहाँ पर आया तो ऑब्वियसली उसको कोई उसकी कोई बेटी देगी, तो एस इधर आ जाएगा कंफर्म। उसके बाद क्या बोला था, ठीक है देखिए, यू जो है ब्रदर इन लॉ किसका, ई का। तो यू जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का। तो यू इधर आ जाएगा, यू मेल हो गया, और यू की वाइफ है जो है वो जे, तो जे इधर आ जाएगा, ठीक है। ई हैज़ नो सिस्टर। ई को जो है कोई सिस्टर नहीं, ठीक है। तो ई को कोई सिस्टर भी नहीं है, वो भी सही बैठ गया हमारा। तो इसी तरह हमारा जो है ये पॉसिबिलिटी हो गई सही, ठीक है। देखिए पहले स्टार्टिंग से रीड करते हैं। डी इज सन इन लॉ ऑफ डब्लू। डी जो है सन इन लॉ है किसका, डब्लू का, वो भी सही है। यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। यू जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, यू का, वो भी सही है हमारा। मतलब डब्ल्यू का कोई भाई है यू उसका, और यू का रिलेशन ई के साथ क्या है, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है। एस इज ऑनली चाइल्ड ऑफ ई। एस जो है ऑनली चाइल्ड है किसका, ई का, मतलब एस फीमेल है। ओके उसके बाद क्या बोला है, जे इज मैरिड टू यू। जे जो है मैरिड है किसके, यू से, वो भी सही है। तो जे फीमेल होगा, यू मेल हो गया। एल इज सन ऑफ एस। एल जो है सन है किसका, एल इज द सन ऑफ एस। ओके एल जो है सन है किसका, तो एल सन है एस का, तो एल और क्यू जो है भाई बहन हो गए, ठीक है। और W इज वाइफ ऑफ E। W जो है वाइफ है किसका, E की, वो भी सही बैठ गया। E हैज़ नो सिस्टर। E को कोई सिस्टर नहीं है, ओके तो E को कोई सिस्टर नहीं है। इसी तरह हमारा जो है ये पजल हो गया सही, ठीक है। इस पजल के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। बाकी काफ़ी इजी में मैंने आप लोगों को समझाया, काफ़ी इजी था पजल। देखिए जैसे मैं ब्रदर सिस्टर के लिए सिंबल यूज़ करता हूँ, हस्बैंड वाइफ के लिए सिंबल यूज़ करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो सिंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बच्चों का अपना अपना ट्रिक होता है कि मैं हस्बैंड वाइफ के लिए अलग सिंबल यूज़ करूँ, ब्रदर सिस्टर के लिए अलग सिंबल यूज़ करूँ, ठीक है। बाकी तो फिर का कॉमन सी बात है कि मेल के लिए प्लस यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी वो आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बाकी काफ़ी इजी पर ये था ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन में अगर कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।